हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सूजी की मिठाई की रेसिपी बताने वाली हूं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। ये मिठाई बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये सूजी का मिठाई है, और जिसको भी आप सर्व करोगे वो बहुत ही पसंद करेंगे इस मिठाई को, और बच्चे तो बड़े ही चाव से खाएँगे। आप देख सकते हो, देखिए कितना टेस्टी हमारा सूजी का मिठाई बन के रेडी हुआ है। देखिए एकदम दानेदार सूजी का मिठाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूजी का मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए एकदम महीन सूजी को ले ली हूँ। अगर आपके पास बड़ा सूजी है तो आप इसे जार में डालकर इसे आप पीस सकते हो, महीन कर सकते हो। तो मैं देखिए दुकान से एकदम महीन सूजी लाई हूँ। अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम सूजी को। इसे एकदम धीमी आँच में आपको भूनना है, कम से कम 5 मिनट तक। देखिए दोस्तों, आपको सूजी को इस तरीके से आपको भूनते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, वरना ये जल जाएगा। और ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। मैं सूजी को इसलिए भून रही हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। देखिए इस तरीके से आपको 5 मिनट तक इसे भून लेना है धीमी आँच में, और इसे आपको चलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से हमारा भून चुका है सूजी। ज़्यादा इसे नहीं भूनना, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए बिना तेल या फिर बिना घी का मैं इसे भून रही हूँ। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो, मगर ना डालें तभी अच्छा रहेगा। अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो दूध को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में ही आपको नहीं डालना है, वरना ये ज़्यादा गीला हो जाएगा या फिर सूजी हमारा जितना पानी ये लेगा बनने में उतना ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, आपको चलाते जाना है। देखिए इस तरीके से अब आपको अच्छे से चलाना है सूजी को। अगर दूध की ज़रूरत और पड़ेगी तो मैं और भी इसमें डालूंगी, मगर एक बार में आपको नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से आपको मिलाने के बाद इसमें डालना है आपको चीनी को। देखिए चीनी को पीसी नहीं हूँ, इस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ। इस सूजी में आराम से ये मिल जाएगा। अब आपको इस तरीके से आपको चलाना है दोस्तों। चीनी मेल्ट होने के बाद अपने आप थोड़ा थोड़ा ये पानी छोड़ने लगेगा। तो सूजी में देखिए हमारा पानी अच्छे से हो चुका है, जितना भी हम दूध डाले थे। देखिए इस तरीके से पानी जैसा ही छोड़ने लगा है, चीनी हमारा मेल्ट होने लगा है। तो अब इसे पानी या फिर दूध डालने का इसमें ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, चीनी की मात्रा बता देती हूँ कि जितना आप सूजी लेते हो जिस कप या फिर जिस कटोरी से, उतना ही मात्रा में आपको चीनी को भी डालना है। देखिए इस तरीके से देखिए मेल्ट हो गया, देखिए सूजी हमारा। अब इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा सूजी देखिए फोल्ड हो रहा है। अब इसे मैं उतार लूँगी। तो कढ़ाई को हम उतार लेते हैं। इसी स्टेज में आपको सूजी को उतारना। देखिए इस तरीके से बंधने लगे, यानी कि फोल्ड होने लगा। अब इस तरीके से आपको उतार लेना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब इसे दोस्तों 5 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए देंगे इस सूजी को। तो देखिए दोस्तों, सूजी का हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है, नॉर्मल ठंडा हो चुका है। और ज़्यादा ठंडा भी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सुसुम ही, यानी कि थोड़ा गरम गरम ही आपको सानना है। तो यहाँ पर मैं बटर या घी आप डाल सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो इसीलिए बोली थी कि आप भूनते टाइम ना डालें। इस स्टेज में आपको डालना है जितना भी डालना है घी। और देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मिलाना है। जिस तरीके से आटा गूंथते हो ना, इस तरीके से आपको अच्छे से आपको गूंथना है। और याद रखें, आपको गरम गरम ही इसे इस तरीके से आपको मैशनी है, ठंडा नहीं होने देना है, वरना ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 5-6 मिनट तक आपको गूंथते रहना है। देखिए इस तरीके से, जब तक ये हमारा हाथ में, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, जब तक ये पूरे हाथ में पूरा चिकना ना हो जाए, एकदम से चिपके ना, तब तक इसे आपको गूंथते रहना है। आधा हमारा हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी, क्योंकि देखिए हल्का हल्का हाथ में चिपक रहा है। तो इसे अच्छे से मैश करनी है आपको। देखिए दोस्तों, इस तरीके से चिकना हो चुका है। देखिए हमारा हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये। तो अब इसका हम मिठाई बनाना स्टार्ट कर देंगे।
देखिए इस टाइप को आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है आपको लेनी है, छोटा बड़ा जिस हिसाब से आप लेते हो बॉल को, और इस तरीके से आपको गोल करना है, और जिस शेप में आपको बनाना है उस तरीके आप बना सकते हो। देखिए मैं इस तरह से लंबा लंबा बना रही हूँ, देखिए अब इसे इस तरीके से बना बना कर सारे को मैं रख लूँगी। देखिए दोस्तों मैं इस तरीके से लंबे लंबे बना रही हूँ, आप चाहे तो इस तरीके से गोल गोल भी बना सकते हो। देखिए इस तरीके से गोल मिठाई, तो आपको जिस भी शेप में डालना है आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर देखिए इस टाइप में सिलेंडर शेप में मैं इसे डाल रही हूँ, एकदम रसगुल्ले जैसा देखने में लग रहा है ना। तो सूजी का मिठाई बनाना दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर में बना सकते हो बहुत ही आसान रेसिपी से, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये आराम से बन के रेडी हो जाता है हमारे घर में। कोई भी त्यौहार हो दोस्तों, अगर आपके घर में मिठाई ना हो या फिर दुकान में ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो आप इस तरीके से अपने घर में बनाकर रेडी कर सकते हो सूजी से मिठाई। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं दूध से बनाई हूँ और यहाँ पे मैं घी और बटर का इस्तेमाल की हूँ इसे गूंथने में, तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए लगभग मेरा आधा बन चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, तो मैं सारे को बना लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए दोस्तों सारा मिठाई मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर नारियल का बुरादा ले ली हूँ और इसमें मैं इस तरीके से इसे कोटिंग कर दूँगी, ताकि एकदम ये हलवाई जैसे मिठाई देखने में लगे, एकदम दुकान वाला जैसे, कोई बोल ना पाए कि ये घर का मिठाई है। हम देखिए अब इसे इस तरीके से एक प्लेट में रखते जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से सूजी का मिठाई बनकर रेडी हो चुका है एकदम खाने के लिए। तो आप इस तरीके से मिठाई बनाकर और अपने घर में किसी मेहमान को सर्व कर सकते हो, कहीं ले जाकर दे सकते हो, या फिर कोई त्यौहार हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो मिठाई। और देखिए कुछ यहाँ पर बच चुका है मेरा, इसे मैं आपको अलग रेसिपी बताती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों आपको किसी तरीके का एक बर्तन में आपको पानी ले लेनी है, और आपको इस तरीके से जालीदार बर्तन को रख देना है, और इसमें आपको ये सूजी का जो मैं मिठाई बनाई हूँ इसे आपको इस तरीके से डाल देना है, इस तरीके से जितना इसमें अटे, इसको अच्छे से डालकर इसे आपको स्टीम कर लेनी है। वैसे हमारा वो मिठाई बनके रेडी हो चुका है, उस तरीके से भी आप खा सकते हो, मगर ये भी एक तरीका है बनाने का, अगर आपका मन करे तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, और भी ज़्यादा ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और भी टेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए इतना मेरा आटा, अब इसको हम एक बर्तन के माध्यम से ढक देंगे और इसे स्टीम होने के लिए कम से कम 5 मिनट तक आप इसे होने दें, बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है, ये हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, अब इसे मैं उतार लूँगी। तो देखिए दोस्तों स्टीम होने के बाद देखिए कितना बढ़िया ये हमारा मिठाई में ग्लो आया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया चमक रहा है। अब इसे आपको नारियल के बुरादा में आपको इस तरीके से कोटिंग करनी है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखिए स्टीम वाला में होता है ना कि इसमें जो चमक होता है वो बढ़ जाता है मिठाई का, देखिए इस तरीके से, और दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों खाने में एकदम टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी टेस्टी हमारा सूजी का मिठाई बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये सूजी का मिठाई है देखने में। देखिए इस तरीके से मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया दानेदार हमारा सूजी का मिठाई बन के रेडी हुआ है। आप इस तरीके से अगर मिठाई बनाओगे तो बच्चे आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और बड़ा चाव से खाएँगे, और ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, इस तरीके से आप घर में बनाकर खा सकते हो मिठाई। कोई त्यौहार हो या फिर किसी मेहमान आ गए आपको सर्व करना है, तो आप इस तरीके से सूजी का मिठाई बना सकते हो। ये देखने में जिस तरीके से लग रहा है ना, उस तरीके से खाने में भी एकदम लाजवाब लगेगा। तो दोस्तों आज का रेसिपी मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।